बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं तो वह बोधिधर्मा ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्मा ने ही बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाया था। वो बोधिधर्मा ही थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे, जो बाद में जैन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर ये चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था बू। सम्राट बू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित भी था। कहा जाता है कि सम्राट बू सालों इंतजार करता रहा कि महान हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार कर भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आ जाए और उसे बुद्धिज्म व उसके विचारों के बारे में बताए। जब बोधिधर्म चाइना पहुँचे तो बूढ़ा सम्राट बू उनसे मिलने आया। उस समय सम्राट बू मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहा था। उसने बोधिधर्म से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। ये हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्म ने कहा, कहाँ है तुम्हारा शांत मन, दो मुझे, मैं उसे अभी शांत करके देता हूँ। सम्राट बू को कुछ समझ नहीं आया और वो चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना अशांत मन अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट बू को ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। वो उस पूरी रात सो ना सका। सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है, कहता है मन साथ लेके आना, भला मन भी कोई भारी सामान है जिसे मैं छोड़कर आ जाऊँगा। उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बू बोधिधर्मा के पास पहुँच जाता है। बोधिधर्मा आँखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट के आने की आहट पाकर बोधिधर्मा अपनी आँखें खोलते हैं और सम्राट बू से कहते हैं, तो तुम आ गए, लाओ अब जल्दी से अपना शांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। सम्राट बू ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूँ? ये तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के अंदर है। बोधिधर्म ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे ही अंदर है। बोधिधर्म ने कहा, तब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल जाए मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्म का ये जवाब भी सम्राट बू को अजीब लगा, लेकिन वो कर भी कह सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना अपने अंदर गया वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा शांत मन? सम्राट बू ने ना में सिर हिला दिया। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट बू वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह 4 बजे फिर सम्राट बू बोधिधर्म के पास आता है। बोधिधर्म दोबारा सम्राट को आंखें बंद करके बैठ जाने के लिए कहते हैं। सम्राट बू दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर डूबता चला जाता है वह उतना ही अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज सम्राट बू को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से ना में सिर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बोधिधर्म के पास आता है और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। जाते वक्त बोधिधर्मा ने फिर पूछा, मिला तुम्हारा शांत मन? सम्राट बू ने फिर से नामे से हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट बू सुबह 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट बू अपनी आँखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्मा भी सम्राट बू के पास ही बैठ जाते हैं।
वह जितना अपने अंदर उतरता गया वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल विचारों का एक समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार हैं तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन भी नहीं। जब अंदर मन जैसा कुछ है ही नहीं तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता। जिसे हम मन कहते हैं ये तो सिर्फ वो विचार हैं जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम अपनी चेतना में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लगें तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता, और जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वो समझ चुका था कि बौद्ध धर्मा उससे बार बार ये क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दो, क्योंकि वो जानते थे कि मन जैसा कुछ नहीं होता। सम्राट बू ने अपनी आँखें खोली। बौद्ध धर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तब पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बौद्ध धर्मा ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो तब आँखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि यह अशांति कहाँ है, और तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत चित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट बू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार ही मन है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वो सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद वो हार मान जाते हैं, और फिर ये मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, और ये इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। वो कभी भी अपने भीतर झांक कर ये देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने ऊपर कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं होती। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ी में हम ये भूल ही चुके हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है, जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर तभी सोचता है जब यह अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, हमारे विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है, और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और ये हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए अब से जब भी आप अपने लाइफ में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने और जाने दें, और ना ही इन विचारों में उलझें। आप इन्हें बस ऐसे देखें जैसे कि आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। आपको बस उन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे ये विचार आने बंद हो जाएंगे, और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।